यूपी के अमरोहा पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने भाजपा पर करारा हमला बोला है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उपचुनाव में भाजपा अभी तक अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं कर पाई है, जबकि नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। उन्होंने कहा कि 2024 में जनता द्वारा दिए गए सदमे से भाजपा बाहर नहीं निकल पा रही। आलम यह है कि कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर बुलडोजर से न्याय देने का काम भाजपा कर रही है। उन्होंने योगी सरकार पर धर्म जाति देख कर कार्रवाई करने का आरोप जड़ा। सांसद चंद्रशेखर रावण का इससे पहले अमरोहा पहुंचने पर अधिवक्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए उसे भी सुन लेते हैं। काफी समय लग गया बीजेपी को, आप समझिए कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन जी, अभी भी प्रत्याशी लड़ाने की स्थिति में नहीं बन पा रही। जो इस बार 2024 में जनता ने जो मैंडेट दिया था लोकसभा चुनाव में, उस सदमे से बाहर नहीं निकली। जब आप निरंकुश हो जाते हैं, तानाशाह हो जाते हैं, जनता को लूटने का, डराने का, धमकाने का, बुलडोजर के जरिए न्याय करने का काम करते हैं, जब आप कानून व्यवस्था को ठेका दिखाते हैं तो जनता भी आपको सुरक्षित आती है। आने वाले उपचुनाव में जनता भाजपा को वोट की जोर समझती है, उनकी आपसी घर का मामला बनता है। बहराइच को नहीं, हमारे यहाँ बुढ़ाना में देखिए, कल ही मैंने संज्ञान लिया किस तरह का जुल्म जो है किया जा रहा है। सिपावा नहीं, इंसान को इंसान समझिए, जाति धर्म के आधार का चश्मा ना सरकार को उतारना। मुख्यमंत्री जी ने संविधान की शपथ ली थी, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब उनको याद नहीं था कि जाति धर्म के आधार कार्रवाई करें। फिर किस बात के मुख्यमंत्री, ये जो दाना था ये जनता जवाब दे। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड, एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।